यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है या फिर परिवार में किसी को लाभ मिलता है तो ऐसे में आपको आगामी किस्त का आप इंतज़ार कर रहे थे, मतलब कि 17वीं किस्त का आप इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा 17वीं किस्त जो है कब आने वाला है। तो ऐसे में आप जो है आपका 20,000 करोड़ रुपया जो है जारी हो चुका है, 20,000 करोड़ रुपया जो है जारी हो चुका है, किस्त जो है 9.3 करोड़ किसान को मिलने वाला है। तो ऐसे में आप जो है अपना स्टेटस को कैसे चेक करना है और क्या ऑफिशियल तौर से इसका नोटिस आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, क्या क्या ऑफिशियल नोटिस आया है। तो चलिए हम स्क्रीन पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। पर आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ट्विटर अकाउंट पर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ट्विटर अकाउंट पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त जो है स्थानांतर जल्द ही, मतलब कि आपको जल्द ही मिलने वाला। अधिक जानकारी के लिए हमारे से जुड़े, यहाँ पर देख सकते हैं उस तरह से यहाँ पर बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का स्थानांतर जल्द ही आपको मिलने वाला है, जल्द ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंडिया की तरफ से ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जो का स्थानांतरण जल्द ही किया जाएगा, जल्द ही किया जाएगा। तो इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। 20,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित बहुत जल्दी आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आपका जो है बहुत जल्दी आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मिल रही आर्थिक सुरक्षा, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही 17वीं किस्त का स्थानांतरण किया जाएगा, मतलब जल्द ही आपका जो है किस्त आने वाला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है आपका बहुत जल्दी किस्त आने वाला है। तो वैसे में आप अपना स्टेटस को चेक कर लें कि आपका आएगा या नहीं, अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपका आने आएगा या नहीं, आपका किस्त जो है आगे आएगा या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कैसे अपना स्टेटस को चेक करना है, चेक करने के लिए सम्मान निधि की योजना का वेबसाइट पर आ जाना है। तो वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आप अपना स्टेटस को चेक कर लें कि आपका सभी स्टेटस जो है सही है या नहीं। पहले अपना स्टेटस को चेक कर लें, अपना डिटेल को चेक कर लें कि आपका ई KYC हुआ है या नहीं, आपका आधार से सीडिंग है या नहीं। तो आपको ये पूरी जानकारी पहले देख लेना है। तो आपको किस तरह से देखना है, तो यहाँ से आपको मिलता है नो योर स्टेटस का ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको नो योर स्टेटस का इस तरह से आपको पेज खुल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं नो योर स्टेटस पीएम किसान, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मोबाइल नंबर मांगता है, जो अभी आपका मोबाइल नंबर रहता है आपका पीएम किसान सम्मान निधि में जुटा हुआ, यहाँ पर डालना है। और यहाँ से कप्चा फिल करके गेट मोबाइल पर OTP पर क्लिक करना है, गेट मोबाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो अपना OTP को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को आप देख सकते हैं, और यहाँ से आधार नंबर से भी आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं, आधार नंबर से भी देख सकते हैं। तो अगर आप आधार नंबर से देखना चाहते हैं तो यहाँ से आधार नंबर सेलेक्ट करके यहाँ से आधार नंबर से भी देख सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर से देखना है तो मोबाइल नंबर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से हम फिल कर लेते हैं, सकते हैं हम अपना मोबाइल नंबर और कब्जा को फिल कर देंगे, उसके बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है उस पर आपका OTP जाता है। तो यहाँ से अपना OTP को डालेंगे, OTP को डालने के बाद यहाँ से गेट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो OTP डालने के बाद यहाँ से गेट डिटेल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका BSV रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से आपका शो कर देता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका इस तरह से शो करता है और यहाँ पर आपका नाम ही दिया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। तो फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ से नो योर स्टेटस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है नो योर स्टेटस पर क्लिक करके।
ये स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर लेना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी निकला है, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ से गेट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लोडिंग लेता है और आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी को इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ से गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो गेट डाटा पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा इस तरह से आपका डाटा दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लोडिंग ले रहा है, देख सकते हैं पूरा स्टेटस जो है इस तरह से आपका आता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहता है, यहाँ पर नेम ऑफ फार्मर मतलब कि आपका नाम रहता है, और यहाँ पर फादर सपोज नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से एरो पर, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस में हम देखेंगे तो यहाँ से लैंड सीडिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं यस है, और ई केवाईसी स्टेटस भी जो है यस है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी जो है यस है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये इस तरह से आपका सभी चीज़ रहता है, यहाँ पर इस तरह से सभी में यस यस इस तरह से आपका टिक रहता है, तो आपका तभी आपका पैसा आएगा। अगर आपका ई केवाईसी मान लीजिए आपका नहीं हुआ है, ई केवाईसी आपका मान लीजिए नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका इसी ई केवाईसी नहीं हुआ होगा तो आपको इसमें भी आपका पैसा नहीं आने वाला है। और यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है यस रहेगा तभी आपका पैसा आएगा, मतलब कि आपका आधार से बैंक के साथ सीडिंग होना चाहिए, आधार के साथ बैंक सीडिंग होना चाहिए, दोनों आधार के साथ बैंक सीडिंग होना चाहिए। अगर आप नहीं कराए अपना बैंक में जाकर, यहाँ पर नो दिखा रहा है, तो अगर आपने जाकर अगर आप नहीं करवाए तो जाकर अपना बैंक पे करवा लेना है। तो जैसे आप बैंक में जाकर करवा लेते हैं तो यहाँ पर आपका 15 डेज के बाद आपका जो है यहाँ पर आपका इस तरह से आपका यस दिखाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपका यस दिखाएगा। अगर आप अपना स्टेटस को दोबारा से आप चेक करते हैं तो इस तरह से आपका यस दिखाता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आप मत देख सकते हैं, मतलब कि आपका किस तारीख को पैसा आया है, कितना किस्त तक आपका पैसा आया है, तो यहाँ से आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से जैसे कि हम बर्मा इंस्टॉलमेंट को देखते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर लोडिंग लेता है इस तरह से। यहाँ पर जो भी आपका बैंक में गया होगा, बैंक नेम आता है, अकाउंट क्रेडिट नेम, यहाँ पर क्रेडिट, और यहाँ पर यूटीआर नंबर भी दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, टेलमा 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट डिटेल को पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट डिटेल को तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से अपना इंस्टॉलमेंट डिटेल को, कब कौन सा किस्त आया है, इस तरह से अपना डिटेल को देख सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक में आपका पैसा जा रहा है। यहाँ से आप ये भी डिटेल को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपको सभी डिटेल इस तरह से मैच होना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। या आपको सभी डिटेल इस तरह से आपका यस रहेगा तभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जो भी आपका आधार के साथ सीडिंग रहता है उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि आप जो है आपका डायरेक्ट आधार के माध्यम से आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका पैसा डाला जाता है। आपका कहीं पर भी आपका अकाउंट नंबर अकाउंट डिटेल नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपका डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में डाला जाता है आधार के माध्यम से, इसलिए आपका आधार से बैंक सीडिंग कराना अवश्य हो गया है। अगर आप नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपका पैसा नहीं जाने वाला है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।